पद्म भूषण सम्मान जिस हुक्मदेव नारायण को मिला है, क्या आप उनको जानते हैं? आप जानते हैं तो फिर उनको कितना जानते हैं? यकीनन हम आपको हुक्मदेव नारायण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको मालूम नहीं होगी। राजनीति में किसी को भी ककहरा पढ़ाना हो तो हुक्मदेव नारायण उनके लिए सबसे सटीक इंसान हो सकते हैं। शायद यही वजह रही है कि हुक्मदेव नारायण को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजनीतिक विचारधारा की बेड़ियों से मुक्त होकर देखे तो ठेठ देसी मिजाज और अपने अंदाज में लाजवाब भाषणों से विरोधियों को चित करने में बेजोड़ हुक्मदेव नारायण यादव को इस बार पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। वर्तमान में हुक्मदेव नारायण बिहार के मधुबनी से सांसद हैं। वो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल तो वो बीजेपी में है, लेकिन संघवाद और समाजवाद को एक साथ जीने वाले नेता के तौर पर उनकी खासी पहचान है। हुक्मदेव नारायण सोशल मीडिया में भी सेंसेशन माने जाते हैं, क्योंकि उनके भाषण का अंदाज लोगों को बहुत भाता है और वो हाथों हाथ वायरल हो जाते हैं। व्यवस्था में क्या करना है, और अभी जो किसानों की कीमत की दाम कहते थे अध्यक्ष महोदय, उद्योगी घराने वाले माल पैदा करें तो कीमत स्वयं तय करे, और हम माल पैदा करें तो सरकार तय करे। नीति होनी चाहिए कि कारखाना का माल और खेती का माल दोनों की कीमत सरकार तय करे और दोनों में संतुलन बना के रखे। नहीं तो हम अपना माल बेचे सस्ता और अपने घर के लिए माल खरीदने जाए उद्योग का तो खरीदे तीन गुने भाव पर, तो हम दोहरी चक्की में जो हमको पीसा जा रहा है उससे हमको मुक्ति दिलाने के लिए क्या नीति अपनाएंगे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब हुक्मदेव नारायण यादव को सम्मान हासिल हुआ हो। इससे पहले बीते साल 1 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बेहतरीन सांसद का अवार्ड से नवाजा था। 17 नवंबर 1939 को हुक्मदेव नारायण का जन्म दरभंगा के बिजली गांव में एक औसत किसान परिवार में हुआ था। हुक्मदेव नारायण यादव ने अपना ग्रेजुएशन राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में बिहार यूनिवर्सिटी से किया है। हुक्मदेव नारायण यादव का झुकाव शुरू से ही समाज सेवा की ओर था, तो उन्होंने साल 1950 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क किया और संघ से जुड़ने के बाद तकरीबन 10 साल तक संघ में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद साल 1960 में उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा। वो पहली बार अपनी गांव से बिजली पंचायत के ग्राम प्रधान चुने गए। साल 1970 में वो पहली बार भारत की छठी लोकसभा के सदस्य बने। इस दौरान वो जनता पार्टी के सदस्य थे। साल 1980 में लोक दल की ओर से वो राज्यसभा सांसद बने। इसके बाद कई और दूसरे दायित्वों का निर्वहन करते हुए वो साल 1993 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। वो किसान मोर्चा के दो बार अध्यक्ष भी रहे और बीजेपी के बिहार के उपाध्यक्ष का पद भी संभाला है। साल 1980 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम गांव की कहानी है। इसमें किसान की बात और संसद में गांव जैसे मुद्दों पर कई लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। आपको बता दें, हुक्मदेव नारायण गरीब और किसानों के काफी हितैषी माने जाते हैं और लगातार उनकी वो पैरोकारी करते हुए नजर भी आते हैं। हुक्मदेव नारायण के भाषण का अंदाज दूसरे सांसदों से बिल्कुल जुदा है, तभी तो विरोधी हो या फिर समर्थक, हुक्मदेव नारायण के भाषण का इंतजार तो हर किसी को रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।